Hello everyone. In today's video lecture, we will start the discussions of tax audit, and today we will discuss about its introduction, objectives and ceiling limits of tax audits. So let's proceed the discussions. Okay. जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में जो टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया कि हमारे देश में अगर ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स लगेगी, मीन्स ज्यादा इनकम या प्रॉफिट है तो ज्यादा टैक्स लगेगी. सो इसी के लिए लोग क्या करते हैं कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ डिडक्शन और रिबेट्स भी होते हैं जिसके थ्रू लोग अपने रिबेट्स को डिडक्शन क्लेम करके अपने टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट को कम शो करते हैं. क्यों कम इसलिए शो करते हैं, सो डैट कि उनका जो टैक्स लाइबिलिटी हो वो कम हो. सो इसीलिए ये जो टैक्स ऑडिट में ये वेरीफाई किया जाता है कि जो भी एक एसएससी मतलब जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है और जो कि टैक्स पे करेगा, मींस जो भी एसएससी जो भी डिडक्शंस और रिबेट्स क्लेम कर रहा है क्या वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग है या नहीं, यह सब वेरीफाई होता है किसमें, टैक्स ऑडिट में. जैसे कि अब आगे देर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑडिट बीइंग कंडक्टेड अंडर डिफरेंट लॉज सच एज कंपनी इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट. कंपनी का इंटरनल या स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग होता है, कॉस्ट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट. सिमिलरली जो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो ऑडिट होता है वो क्या हो गया आपका, टैक्स ऑडिट. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, टैक्स ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड आउट बाय टैक्स पेयर from an income tax viewpoint. It makes the process of income computation for filing of return of income easier. देखिए बहुत सिंपल बात है, ये जो इन टैक्स ऑडिट में भी जो अकाउंट्स है बुक्स है वही उसकी वेरीफाई उसकी इंस्पेक्शन होती है, लेकिन यहां जो ऑब्जेक्टिव है यहां जो व्यू पॉइंट होता है वो व्यू पॉइंट क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. ओके, अकाउंट्स बुक्स स्टेटमेंट सबका वेरिफिकेशन हो रहा है लेकिन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स को ध्यान में रखते हुए आपके अकाउंट्स बुक्स और स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है. आगे है, अ टैक्स ऑडिट इज एन ऑडिट मेड कंपल्सरीली बाय इनकम टैक्स इफ द एनुअल ग्रॉस टर्नओवर रिसीट of SSC exceeds the specified limit. The tax audit is conducted in section 44AB of income tax account by chartered accountant. Simply tax audit means an audit of matter related to tax. देखिए ये जो tax audit है ये हर तरीके के organization के लिए compulsory नहीं है. Okay, लेकिन कुछ कुछ class of organization है जिसके लिए compulsory है. मैं आपको general rule बताता हूं कि अगर कोई business है देन बिजनेस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है देन टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा. अगर कोई प्रोफेशन है, कोई पर्सन प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसके रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है देन टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा. लेकिन इसमें कुछ और भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे, लेकिन जनरल भाषा में यही समझिए कि बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा हुआ आपका टर्नओवर देन टैक्स ऑडिट विल बी कंपल्सरी, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में अगर 50 लाख से ज्यादा हुआ आपका 50 लाख से ज्यादा हुआ आपका रिसीट्स देन टैक्स ऑडिट विल बी कंपल्सरी. अब आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ऑडिट क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. बहुत ही सिंपल है, टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द सेम बाय अ टैक्स ऑडिटर. यस, इंश्योर करते हैं टैक्स ऑडिट के प्रॉपर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिमिलर टू फाइनेंशियल ऑडिट इसमें भी आपके अकाउंट्स बुक्स एंड स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए, टैक्स को ध्यान में रखते हुए, इनकम टैक्स को ध्यान में रखते हुए.
नेक्स्ट है आपका टू रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिपेंसीज नोटेड बाय टैक्स ऑडिटर आफ्टर अ मेथोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स जो टैक्स ऑडिटर है वो जो भी ऑब्जर्व करेंगे या कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज होगा वो सबको वो नोट करके अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है टू रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन सच एज टैक्स डेप्रिसिएशन कंप्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मीन्स बताना किस चीज के बारे में कि आप किस तरीके से डिडक्शंस को क्लेम कीजिए, जैसे कि डेप्रिसिएशन के थ्रू और अदर प्रोविजंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। कौन? टैक्स ऑडिटर विल इन्फॉर्म इट टू हिज क्लाइंट। नेक्स्ट है लिमिट सीलिंग ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ टैक्स ऑडिट। मीन्स एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है वो कितने टैक्स ऑडिट कर सकता है। ओके, अगर कोई इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है देन वो 45 टैक्स ऑडिट कर सकता है। लेकिन अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म है जिसमें कि 3% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो वहां पे पर पार्टनर एक पार्टनर के लिए 45। ओके, इट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म के लिए कितना हो गया, जितने पार्टनर पर पार्टनर 45 हो जाएगा। ओके, और एक बात है, अगर किसी बिजनेस का हेड ऑफिस का ऑडिट हुआ, उसके ब्रांच ऑफिस का या ब्रांचेस का ऑडिट हुआ देन वो भी एक टैक्स ऑडिट के अंतर्गत आएगा। अगर किसी बिजनेस का किसी प्रोफेशनल का अगर टैक्स ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर कर रहे हैं देन तब भी वो एक ही टैक्स ऑडिट के अंतर्गत आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए लिमिट है कितना, 45, और एक चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्म में उसके जितने पार्टनर्स हैं पर पार्टनर 45। ओके, सिंपल सी बात है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है क्या टैक्स ऑडिट। जैसे कि जनरल हम लोग ने समझा ना एक जनरल भाषा में, यहाँ जिसका कि अगर बिजनेस है 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है देन टैक्स ऑडिट कंपल्सरी होगा। प्रोफेशनल प्रैक्टिस है 150 लाख से ज्यादा का, अगर आप 50 लाख से ज्यादा का रिसीट्स होगा देन टैक्स ऑडिट कंपल्सरी होगा। देन ये सब में कुछ कुछ एसोसिएटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सबको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।